एरर आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके में प्रॉब्लम क्या है, आपके जो पीसी पीसी में प्रॉब्लम है वो होती है आपकी वीडियो मेमोरी की, यानी कि हम जब अपने पीसी में ग्राफिक कार्ड लगाते हैं या फिर कई लैपटॉप्स में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं तो उनको एक्सेस करने के लिए हमको सबसे पहले ग्राफिक्स ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। बिना ग्राफिक्स ड्राइवर के आप उस ग्राफिक जो कार्ड या फिर इंटीग्रेटेड ग्राफिक हमारे पीसी में लगा हुआ है हम उसका यूज़ नहीं कर पाते। तो किसी भी 3D एप्लीकेशन या किसी गेम को रन होने के लिए वीडियो मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। जब जब गेम को आपके पीसी की तब वो एरर शो करता है कि कैन नॉट फाइंड एनफ वीडियो मेमोरी, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। दोस्तों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हमें सिर्फ ग्राफिक ड्राइवर डाउनलोड करना है अपने पीसी को आइडेंटिफाई या लैपटॉप को आइडेंटिफाई करके। जैसे मेरे पास यहाँ पर इस वक्त लैपटॉप है, तो इस लैपटॉप का पहले सबसे पहले अगर आपको मॉडल नहीं पता है तो मैं मॉडल कैसे पता लगाते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको विंडोज़ की और आर प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडोज़ की और आर प्रेस करेंगे आपके सामने एक ऐसा प्रॉम्प्ट खुलेगा जिसको रन प्रॉम्प्ट कहते हैं या रन कहते हैं। तो रन जैसे ही आपके सामने खुले आपको यहाँ पर लिखना है DXTIAG, यानी कि आप डायरेक्ट एक्स पर एक्सेस करना चाहते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक्स डायगोनिक टूल यहाँ पर आया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर दीजिए और ये सिस्टम लोड होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर सिस्टम मॉडल आप देखेंगे, ये देखिए, तो ये मेरा डेल का है, डेल इंस्पायरन N5110, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको पता चल गया है कि आपके मॉडल कौन सा है, आपका लैपटॉप का या पीसी का मॉडल कौन सा है। अब आपको एक काम करना है कि आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर आपको अपने सबसे पहले अपने पीसी का सबसे पहले गूगल पे जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप का जो मॉडल है उसको लिखना है। ये देखिए N5110 मैं आप लिख देता हूँ। इसके बाद आपको लिखना है ड्राइवर, या फिर आप अगर आप केवल ड्राइवर नहीं लिखना चाहें तो आप वीडियो ड्राइवर भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो पहले या दूसरे पेज पर से ही आप ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका HP का लैपटॉप है तो आप HP की वेबसाइट पर जाइए, लेनोवो का है तो लेनोवो की पे, या जो भी आपका है उसी की आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मेरी वेबसाइट खुली। अब सबसे पहले आप ऊपर ध्यान रखें कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं इसको चेंज करके विंडोज़ 8 कर लेता हूँ क्योंकि मेरे विंडोज़ 8 है, और अगर मैं विंडोज़ 7 के ड्राइवर डाउनलोड करता हूँ तो वो मेरे पीसी में नहीं चलेंगे। अब दूसरी बात, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंटेल HD ग्राफिक्स ड्राइवर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो ग्राफिक ड्राइवर है ये मेरी वीडियो मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, यानी कि जो मेरे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं उनको चलाने के लिए यही ड्राइवर काम में आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 147 MB का है, और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको पीसी को रीस्टार्ट करना होगा, ये ज़रूरी है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, आप यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा आपका। ये तो गई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की बात, ये सबसे मेन है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स तो आपके लैपटॉप में होंगे ही। अब दूसरी बात जो है ऑनबोर्ड ग्राफिक्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये NVIDIA GeForce GT525M ये ग्राफिक ड्राइवर, तो ये मेरे ऑनबोर्ड ग्राफिक हैं जिनकी वजह से मेरे को 1 GB जो वीडियो मेमोरी है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो ये भी है, इसको डाउनलोड पर मेन यही है इंटेल HD ग्राफिक्स, इसको डाउनलोड करने के बाद ही ये डाउनलोड करना होगा। ये इंस्टॉल हो सकता है NVIDIA के बिना, इंटेल HD ग्राफिक्स इंस्टॉल हो सकता है लेकिन इंटेल HD ग्राफिक्स के बिना NVIDIA इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो दोस्तों बस आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद एक बार अपना PC रीस्टार्ट कर दीजिए, और PC रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो गेम है GTA Vice City या फिर जो भी कोई गेम San Andreas या फिर जो भी कोई गेम ऐसी प्रॉब्लम दे रहा है
वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और आपका गेम है वो एकदम ठीक तरह से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर